हे गाइस, वेलकम टू लर्न शॉपिफाई विद हर्षित। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रोडक्ट पेज हमें अलग अलग प्रोडक्ट पेजेस चाहिए। तो फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट पेज पे हमें कुछ सेक्शन शो करने हैं और दूसरे प्रोडक्ट पेज पे हमें कुछ अलग सेक्शन शो करने हैं, तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो ये बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन कुछ लोगों को जिनको ये चीज़ नहीं पता है तो मैं उनको एड्रेस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहे और ये वीडियो उनकी हेल्प कर दे। तो हम जाएंगे डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट के ऊपर एंड हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट के ऊपर देखेंगे, हमारा एक प्रोडक्ट पेज बना हुआ है और हम यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड करते हैं। हम कोई भी एक नॉर्मल सेक्शन ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग स्पॉट का सेक्शन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉग स्पॉट आ गया है, हम इसको सेव करेंगे। एंड अब हमारे पास ये प्रॉब्लम होगी कि अब हमने ब्लॉग स्पॉट बना दिया है एंड ये हमें ब्लॉग स्पॉट हर प्रोडक्ट पेज पे दिखेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये हर एक प्रोडक्ट पेज पे दिखे, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेजेस पे दिखे या फिर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे दिखे। तो हम यहाँ से एक नया प्रोडक्ट पेज का टेम्पलेट बना सकते हैं। सो हमें यहाँ पे जाना है प्रोडक्ट्स पे, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पे जाके हमें क्रिएट न्यू टेम्पलेट कर देना है और हमें यहाँ पे नाम दे देना है न्यू, या फिर हम कुछ कोई भी अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टू के नाम से डाल रहा हूँ एंड ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट का ही पूरा उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आ गई है, तो हम यहाँ से ब्लॉग स्पॉट या कोई भी दूसरा सेक्शन ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट ऐड कर दिया एंड हम इसको सेव कर देंगे। सो सेव करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट्स के बैकएंड में जाएंगे एंड हम बैकएंड में जाके इसको असाइन करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल टी शर्ट हो गई है, हम चाहते हैं एग्जाम्पल टी शर्ट के अंदर कलेक्शन लिस्ट हो। हमने कलेक्शन लिस्ट लगाई थी अपने डिफॉल्ट प्रोडक्ट टू के अंदर, तो ये हमारा अभी इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि हमने थीम लाइव नहीं करी है एंड थीम को लाइव करने के लिए हमें अपने थीम एडिटर के अंदर जाना पड़ेगा और ये सबसे बड़ी गलती है। गलती तो नहीं कह सकते, बट हाँ यहाँ पे हमें अगर कोई भी प्रोडक्ट थीम का आपको कोई भी टेम्पलेट यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल कलेक्शन का, प्रोडक्ट का या फिर किसी भी अदर पेजेस का, तो वो आपको थीम लाइव करनी पड़ेगी तभी उसके टेम्पलेट्स रिफ्लेक्ट होंगे। सो हम यहाँ पे जाएंगे एंड हम कॉपी ऑफ अपडेटेड कॉपी ऑफ डॉन पे काम कर रहे हैं, हम इसको एक्शंस पे जाके पब्लिश करेंगे एंड हम यहाँ पे इसको पब्लिश करेंगे एंड पब्लिश करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करें पेज को। और अच्छा हुआ हमारे पास ये एक एरर निकल के आ गया है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि लोग कॉपी बना के काम करते थीम कि, जैसे कि हम हमेशा कहता हूँ कि कॉपी हमेशा बना के रखें, पर वो अगर उस कॉपी थीम को लाइव नहीं करेंगे तो वो उनको प्रोडक्ट टेम्पलेट दिखता ही नहीं। एंड अच्छा हुआ हमें ये गलती दिख गई तो ये चीज़ भी हम देख पाए। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट टू आ चुका है, हम इसको सेव करेंगे एंड हम इसको प्रिव्यू करेंगे और यहाँ पे हमें दिखेगा कि नीचे हमारे पास कलेक्शन आ गए हैं। सो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ये आप किसी भी प्रोडक्ट पेज के साथ भी कर सकते हैं, आप कलेक्शन पेज के साथ भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल पेजेस के साथ, कलेक्शन के अंदर भी नीचे आपका आपका क्रिएट टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है एंड पेजेस के अंदर भी आपका क्रिएट पेजेस का ऑप्शन आ रहा है। हमारे पास एक डिफॉल्ट अलग तरीके का एक पेज का टेम्पलेट शॉपिफाई ऑलरेडी देता है जिसे हम कॉन्टैक्ट कहते हैं, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट पेज आ जाता है एंड हम यहाँ पे उसी टेम्पलेट को अगर हम क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें कॉन्टैक्ट के बेसिस पे बनाना है या डिफॉल्ट पेज या जो जो भी आपका नॉर्मल पेज होता है उसके बेसिस पे बनाना है। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे भी किसी चीज़ के अंदर कमी आ रही है या कोई भी शॉपिफाई से रिलेटेड डाउट है, आप यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन पर डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियोज़ ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।